हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में, जिसमें हम सीख रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग। ये आज फिफ्थ क्लास है जिसमें हमारा मेन टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। बट खास बात यह है कि मैं आज सभी एक्सेस स्पेसिफायरों को एट ए ग्लांस समझाऊंगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होगी और साथ में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होगी। ये एक्सेस स्पेसिफायर, तीनों ही एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इसे आप देखने के बाद पूरे तौर से क्लेरिफाई हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए देखते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को एट ए ग्लांस समझाने के लिए मैंने यहाँ एक रूम जो बॉक्स टाइप का बनाकर रखा है, इसे रूम सपोज समझिएगा। इस रूम में कुछ कैटल्स और इस एग्जाम्पल में काऊ रहते हैं। तो वे काऊ, अगर ये रूम हमारा प्राइवेट हो तो क्या होगा, कोई भी बाहर के काऊ इस रूम में इंटर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर वाले काऊ ही इस रूम में जो भी फूड होगा वो उस रूम के कंज्यूम करेंगे। तो ये हो गया प्राइवेट। यानी अगर ये क्लास प्राइवेट होता तो सिर्फ और सिर्फ जो भी डेटा इसके अंदर होते इस क्लास में एक्सेस होते, इससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाते। ओके, अगर ये प्राइवेट के अलावा अगर ये पब्लिक होता तो क्या, अगर यहाँ ये रूम अगर पब्लिक हो जाए तो उस केस में जो भी अगर बाहर के काउज होंगे वो ईजली इंटर करेंगे और इस रूम में जो भी फूड मटेरियल्स होंगे वो उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये हो गया पब्लिक। मीन्स क्या, यानी बाहर भी पब्लिक डेटा एक्सेस किए जा सकते हैं। ओके, देन आफ्टर समझते हैं प्रोटेक्टेड के बारे में। अगर ये प्रोटेक्टेड होता तो क्या होता कि ये प्रोटेक्टेड भी एक तरीके का प्राइवेट के तरह ही बिहेव करता है। मतलब कि हम इसे क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं इनके ऑब्जेक्ट से। मतलब क्लास के बाहर इसमें एबिलिटी नहीं होती एक्सेस करने की। बट एक बात, इसकी क्वालिटी ये है कि ये अगर कोई दूसरा क्लास होता, मतलब कोई दूसरा रूम होता, सपोज उस रूम में कोई गोड्स रहते हैं, तो यहाँ के जो फूड मटेरियल है अगर वो प्रोटेक्टेड में है तो उसे इस रूम में भी वो गोड यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सब क्लियर है। यानी प्राइवेट वाले उसी रूम में रहेंगे, प्रोटेक्टेड वाले कोई दूसरे रूम में वाले यूज कर सकते हैं अगर वो डेटा प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो बाहर यूज नहीं होंगे, एज ए प्राइवेट वर्क करेंगे। बट पब्लिक वाले को क्लास के बाहर इजली वे से यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब प्रैक्टिकली चलते हैं समझने के लिए एट ए ग्लांस। अब इस एडिटर विंडो पे हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक क्लास बनाया है रूम नाम का क्लास, इसमें हमने पब्लिक एक्सेस फायर दिया है और इंट में काउज दिया है। इसमें मैं काउज का नंबर दूंगा। सिंपली ये पब्लिक में है तो ये बाहर भी एक्सेस होगा हमारे मेन फंक्शन में। तो यहाँ मैं मेन बनाया, क्लियर स्क्रीन लगाया और रूम नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। मैं बताया था इससे पहले क्लास में जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, उसे आप अगर चाहते हैं तो उसे देख लीजिएगा, मेरा सेकेंड वीडियो वही है। उसके बाद ओबीजे डॉट काउज, यहाँ देखिए मैं क्लास के यहाँ तक क्लास खत्म है, मैं क्लास के बाहर इसे एक्सेस कर रहा हूँ। यानी ओबीजे डॉट काउज, यानी ओबीजे के काउज में मैं फाइव नंबर डाला, यानी काउज की नंबर 5 है और सिंपली मैं उसे यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, वो भी क्या क्लास के बाहर है। तो यहाँ ये प्रिंट करेगा सी आउट के साथ नंबर ऑफ काउज इक्वल टू ओबीजे डॉट काउज। यहाँ ये प्रिंट करना चाहिए नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 5। यहाँ मैंने गेट किया सिंपली और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट डाला। ओके, लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये हमारा पूरी एक कोड बन के तैयार हो गया। चलिए इसे फर्स्टली कंपाइल करते हैं। मैं इसे कंपाइल किया, नो वार्निंग एंड नो एरर, और मैं इसे रन कर रहा हूँ। यहाँ इसे रन किया, देखिए हाँ आउटपुट सही दे रहा है, नंबर ऑफ काउज इज 5 इक्वल टू 5। अब इसे हम प्राइवेट करते हैं। तो हाँ, अब बताइए अगर इसे प्राइवेट करेंगे तो वहाँ क्या देखे थे, जबकि जो भी काउज थे वो उसी रूम में यूज कर पाएंगे, उसके बाहर उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हम यहाँ लिखे हैं काउज ओबीजे, अब तो ये बाहर हो गए क्योंकि मेन एक अलग फंक्शन हो गया जो क्लास के बाहर है, क्या इसे एक्सेस करेगा, पहले देखते हैं कंपाइल करके क्या आता है। तो यहाँ एक एरर जरूर आएगी। मैंने कंपाइल किया,
तो विजर सामने आया वो काउस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी काम हमें इस रूम के अंदर ही करना पड़ेगा, मतलब इनपुट भी इसी रूम में लेना पड़ेगा और आउटपुट भी इसी रूम में लेना पड़ेगा। चलिए मैं कोड लिखता हूँ, यहाँ हम रूम क्लास को प्राइवेट में रखे हुए हैं और यहाँ जो इंट में काउस है बस हमने क्या किया, मैंने बताया था कि इसी क्लास के अंदर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने एक सिंपली पब्लिक के अंदर में एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन को मैं बाहर से बस यूज कर पाऊँगा। चूँकि मेरा ये प्राइवेट है तो इसे मैं बाहर से यूज नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे इसके अंदर वैल्यू डालना है, तो मैंने एक फंक्शन के अंदर में काउस का वैल्यू 5 दिया और इसे प्रिंट करवा रहा हूँ नंबर ऑफ काउस। और मैंने मेन में आके क्लियर स्क्रीन करा और एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली कॉल कर रहा हूँ। ओ ये पैरेंथेसिस थोड़ा दूर चला गया, इसे मैं नज़दीक ला दूँ। वही ऑब्जेक्ट डॉट शो को कॉल कर रहा क्योंकि ये पब्लिक में है। अब रिटर्न स्टेटमेंट, ये कोड तैयार है, यहाँ कोई एरर नहीं आएगी, देखिए एरर नहीं आई, पिछले वाले एग्जीक्यूशन में हमने एरर देखा था। रन कर रहा, देखिए टोटल नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 5। प्रोटेक्टेड को समझने के लिए हम इसे प्रोटेक्टेड करते हैं। प्रोटेक्टेड चूंकि मैंने बताया था कि प्राइवेट के ऐसा ही बिहेव करता है, मतलब क्लास के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट मैंने बताया था कि एक दूसरे रूम में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं उसी रूम के अंदर में, मतलब इस काउस को मैं दूसरे रूम में जिसमें गोट्स रह रहे हैं उसमें मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ उसके कोड को। ये प्रोटेक्टेड का जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नए क्लास में, बट मैंने बताया था तीनों को एट ए ग्लांस समझाऊंगा। तो एक्चुअल में ये थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम अभी तक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ समझ जाएंगे और प्रोटेक्टेड को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो मैंने वहाँ बताया था कि जो भी मेरा रूम 1 था उसमें जो काउस थे और रूम 2 जिसमें गोट्स थे, तो मैंने बताया था कि ये प्रोटेक्टेड प्राइवेट के तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब क्लास के अंदर ही वर्क करते हैं, क्लास के बाहर ये वर्क नहीं करते हैं। तो रूम 1 के जो काउज है वो रूम 2 में सिर्फ, तुम यहाँ ध्यान दीजिए, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को मैं बताऊंगा अभी, रूम 2 में सिर्फ गोट्स है। बट मैं जो यह फंक्शन बना रहा हूँ सो, मैंने जो इसमें फंक्शन बनाया है सो, इस सो में वर्ड सो में मैं काउस और गोट दोनों का नंबर ले रहा हूँ, दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ इस क्लास के अंदर ही, इस रूम 2 क्लास के अंदर। देखिए क्लास यहाँ से यहाँ क्लोज हुआ, तो इसमें होगा क्या, और मैंने इस लाइन को जो बताया है क्लास रूम 2, मैंने रूम 2 बनाया है, जो सिंपली मैंने रूम 1 बनाया है यहाँ रूम 2 बनाया है और यहाँ कोलोन दे करके पब्लिक लिखा और रूम 1 लिखा, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट, यानी क्लास 1 के प्रॉपर्टी को डायरेक्टली क्लास 2 इनहेरिट करता है। तो मैंने बताया था रूम 1 के प्रॉपर्टी को रूम 2 की प्रॉपर्टी यूज करती है, मतलब काउस और काउस जो है वो गोट्स वाले रूम में यूज हो रहे हैं, यहाँ मैंने वहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताया था। तो इसमें ध्यान दीजिए क्लास जो रूम 1 है उसमें मैंने काउस रखा है, क्लास 2 में जो मैंने इनहेरिटेंस किया है उसमें प्रोटेक्टेड मेरी गोट्स भी है, और पब्लिक सेक्शन में मैंने बस एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं बाहर से एक्सेस करूँगा क्योंकि पब्लिक को मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ वर्ड सो, इस सो में मैं काउस की नंबर 5 और गोट्स की नंबर 7 ले रहा हूँ और नंबर ऑफ काउस प्रिंट करा रहा हूँ, नंबर ऑफ गोट्स प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने ये सेकेंड क्लास को भी बंद कर दिया। अब मैं इंट में मेन में क्या कर रहा हूँ, सिंपली इतना ही लंबा कोड है इंट मेन की, इसमें मैंने मेन में क्लियर स्क्रीन करा, रूम 2 की ऑब्जेक्ट बनाया। ये ध्यान रखना है कि हमें किस रूम की ऑब्जेक्ट बनानी है, जो हमारी सेकेंड क्लास है उसी की ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि सेकेंड क्लास ने ही फर्स्ट क्लास के सभी डेटा को इनहेरिट किया है, उसके ऑब्जेक्ट बना करके उसके ऑब्जेक्ट से सो को कॉल किया क्योंकि सो तो हमारा रूम 2 में है, इसलिए उसी की ऑब्जेक्ट बना करके उससे कॉल किया। अब देखिए मैं यहाँ कंपाइल करता हूँ, नो वार्निंग एंड नो एरर, रन करता हूँ, हाँ आउटपुट सही दे रहा है, नंबर ऑफ काउज 5 एंड नंबर ऑफ काउज 7। तो आप सभी का थैंक्स कहने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसी चैनल पे हर संडे सैटरडे को एक स्पेशल ट्यूटोरियल दी जाती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हर न्यू टाइप्स के प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम आप सीखेंगे।
तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आया तो इसे एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।